वेट है, सुबह जल्दी आएगा। हाउ आर यू रतन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप सभी कैसे हैं? कैसे हो दीदी? जय माँ कर्णेरी, जय माँ कर्णेरी। भुवनेश शेखावत, गणिक हमासा, ओम साई राम, ओम साई राम। अक्षिता जी कहाँ है? अक्षिता जी अभी आए नहीं है, आएंगे वो। जय माँ कर्णेरी सा, जय माँ कर्णेरी। आगत काय केणो सा, सुख देणो दुख मेटनो, हमारी माँ करणी रो नाम, चरण शरण ते चारणी, थाने पुनर पुनर प्रणाम। अभी बस पूजा हुई है अपनी, ये देखिए आप, अभी भी दिया जल रहा है। करणी माँ बड़ी मेरी, मेरे दाता, मेरे अन्नदाता, मेरे सब कुछ, मेरी डोकरी, मेरी करणी मावड़ी, बस इन्हीं में बसता है, इन्हीं में रहता है, इनकी वजह से ही मैं हूँ, यही सब कुछ है। उसे मेरे पापा जी, मेरे दाता, मेरे अन्नदाता वही है, बस इनकी दया से ही मेरा सब कुछ काम चल रहा है। मुझे और कुछ ही नहीं, बस ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जय श्री करनी। दिए की जलाई ज्योत भी बहुत बहुत ऊंची जाती है, दिए की जलाई ज्योत। मैं अधिकतर फोटोज लेती हूँ इनकी, अलग अलग शेप बनती है इसमें, और बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है इनको देख कर। जय श्री करनी, जय श्री करनी। माँ करनी आपके साथ हमेशा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने ये सोचा जब भी मैं मॉर्निंग में स्टूडियो आऊँगी और जब भी मैं पूजा करूँगी तो उस वक्त जरूर लाइव आऊँगी। और जैसे आज मैं पूजा करी तो मैंने कैमरा फ्रंट में रख दिया, तो कुछ आप लोगों को दिखा नहीं होगा, बट अब जब भी होगा तो मैं कैमरा उस तरफ रखूँगी और अपन आराम से सुबह सुबह करनी माँ की पूजा करेंगे। तो आज का कंप्लीट हुआ, बाकी कुलदीप भाई को दिखाओ। कुलदीप भाई फोन में लगे रहे, फोन चला रहे हैं बाहर में। पहुंच गए, अपना ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ही रहेगा। देखो टाइम का तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि कभी मुझे 11 बज जाते हैं, इवन कभी 12 बज जाते हैं। तो जब भी मैं यूट्यूब पे तो लाइव आती हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही जाती होगी ना। जय श्री गणी सर, जय श्री गणी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बस अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो आई हूँ। अक्षिता मैम जी शायद काम में बिजी है अपने किसी, इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सो आएंगे तब बताएंगे। नहीं, नोटिफिकेशन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा उसमें, नोटिफिकेशन। नहीं, अभी लॉकडाउन ओवर नहीं हुआ है जयपुर में, इवन जयपुर तो अभी भी रेड जोन में है, लेकिन जो लोग है वो अपना काम कर ही रहे हैं। सेफ्टी अपनी बहुत ज़रूरी है, और सेफ्टी रखोगे तो ऑब्वियसली सही, खुद भी सही रहोगे, बाकी भी सही ही रहेंगे। और वैसे भी अब ईद आने को है, और 17 का वेट करते हैं अपन की 17 17 का वेट करते हैं, जो भी है 17 को क्या होता है। जय श्री गणी, जय श्री गणी। एक बार श्याम सरकार जी भजन गा दो ना, श्याम सरकार। मुझे वैसे तो काफी, मुझे भी काफी सारे भजन आते हैं मेरे को श्याम जी के, श्याम सरकार लाइक जो भी आप पूछ रहे हैं, तो मुझे भजन तो काफी सारे आते हैं उनके भी। एक वो है कीर्तन की है रात, मुझे बहुत पसंद है वाला। अधिकतर मतलब लाइक कहीं भजन वगैरह होता है तो वहाँ भी मैंने ये भजन काफी गाए, कीर्तन की है रात वाला। दरबार सांवरिया ऐसो हो सजो प्यारो, दयालु आपको सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा नीके।
सरी राघव रे मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। और एक वो था ना बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना ही दिना मैं आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घना ही दिना मैं आया, बालक घर जद आया करिता रोज खेल कह जाया करिता, हुई के टकरा हर सदा हमारे भाई घड़ा ही दिना मैं आया। और एक कुछ गाडूली गाडूली करके था कि अपने जो जया किशोरी जी के भजन है वो मुझे बहुत पसंद है, जया किशोरी जी के जितने भी भजन होते हैं वो सभी मेरे फेवरेट है और वो खुद भी मेरी बहुत फेवरेट है। उनकी जितनी भी स्पीच होती है, जितने भी वो मोटिवेशनल थॉट्स बोलती है, जितने भी मुझे मतलब बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, उनके भजन मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप लोगों को भजन जैसे श्याम जी के, खटश्याम जी के जो भी भजन सुनना चाहते हैं तो आप जया किशोरी जी के सुनिए, मुझे खुद के उनकी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है वो। बहुत अच्छा गाते हो, थैंक यू सो मच इतना प्यार इतना सपोर्ट के लिए। एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी। और कोई भजन आप लोग सुनना चाहते हो? वैसे मुझे भजन तो बहुत कम आते हैं, कन्नी माता के तो आते हैं ठीक है उनके तो मुझे बहुत पसंद है उसके, और खाटू श्याम जी के भी काफी। तो और कोई भजन आप लोग सुनना चाहते हो? कन्नी माँ का मन थारू भरोसो माँ